पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली ले मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। इस जमीन ते सौ गुणा ते अगे हमेशा दी अनंत आनंद उना दे सिरा ते होवेगा। ए परमेश्वर दी प्रतिज्ञा उना जिंदगियां दे लई आ जेड़ियां जिंदगियां परमेश्वर दे वचन दी खातर कुछ छड्डण नूं तैयार हुंदियां, घाटे झलण नूं तैयार हुंदियां, दुख उठाउण नूं तैयार हुंदियां, मसीबत झल के भी वचन च खड़े रहिंदे ने, घाटे झल के भी वचन च खड़े रहिंदे ने। संसारिक रिश्ते नातियां तो वध खुदा नूं पहल दिंदे ने, गुरु दे वचन दे प्रति वफादार हुंदे ने। इस संसार दे विच सौ गुणा दा मतलब सक्सैसफुल जिंदगी, सफल जीवन, ईमानदारां दा पिता, विश्वासियां दा पिता अब्राहम 75 साल दी उम्र च खुदा ने उहदे नाल गल कीती ते जदों संसार नूं छड्ड के गया उदों उहदी उम्र 175 सालां दी सी। जिद्दण परमेश्वर ने उन्हां गल कीती, जिद्दण खुदा ने उहनूं बुलाया उद्दण उहदी उम्र 75 सालां दी सी, ते जिद्दण उहने संसार नूं छड्डिया उद्दण उहदी उम्र 175 सालां दी सी। किन्ने साल? 100 साल परमेश्वर उहदे नाल चलिया ते अब्राहम परमेश्वर दे नाल चलिया 100 साल। हर वचन दे विच सच्चाई है, हर वचन परफेक्ट वा। तद ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिद्दण खुदा ने अब्राहम नाल गल कीती सी उद्दण परमेश्वर ने कहा ही देश छड़ दे, पिता दा घर छड़ दे, रिश्ते नाते छड़ दे। जेकर उन्हें छड्डिया ते खुदा ने जमीन ते ही उन्हों 100 गुणा दिता, 100 गुणा दिता उन्हों। और वो गल नूं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन च सिद्ध कर दिता कि पहली गल अजिहा कोई है नहीं गा, जे कोई है ते वो इस युग दे विच इस संसार दे विच 100 गुणा प्राप्त करेगा। उत्पत्ति पुस्तक 24 अध्याय की पहली आयत पढ़िए ओनली। हुण अब्राहम बहुत बिरध और वड्डी उम्र दा हो गया सी। हाँ जी। और यहोवा ने सारियां गल्लां विच अब्राहम नूं बरकत दित्ती। हाँ, अब्राहम बहुत बिरध ते वड्डी उम्र दा हो गया ते सारियां गल्लां च परमेश्वर ने उन्हों की दित्ती, सारियां गल्लां च जो विचार कीता सफल, जो कदम पट्टे सफल, जेड़े काम नूं हाथ लाया सफल। इहदी 12 दे अवधि 4 ऐच लिखिया जदों खुदा ने बुलाया उहदी उम्र 75 सालां दी सी। जदों 25 दे अवधि 7 ऐत पढ़ते हाँ कि जदों उहने संसार नूं छड्डिया उहदी उम्र 175 सालां दी सी। 100 साल परमेश्वर उहदे नाल चलिया ते अब्राहम परमेश्वर दे नाल चलिया ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उहनूं इन्नी बरकत दित्ती कि अब्राहम नूं ईमानदारां दा पिता होण दा हक दे दित्ता। तेरे द्वारा पृथ्वी दे सारे घराने बरकत पाउणगे। अज पूरा वर्ल्ड बरकत पा रहा ते इहदा पिछोकड़ा अब्राहम जिहदे नाल खुदा ने वादे कीते सन। ते पत्रस सवाल करदा आ, कई बारी सवाल साडे दिल दिमाग च भी आउंदे आ, सानू की मिलू,
वह जमीन ते साडे नाल वादा करता आ 100 गुणा ते अगे हमेशा दे जिंदगी। एडी वड्डी प्रतिज्ञा आ हमेशा दे जिंदगी दा मतलब अनंत आनंद। ओ आनंद जेने कदी खत्म नहीं होना। ता जेड़े वफादार नहीं उना दे बारे लिखिया या ओ दाखल नहीं होणगे उस अनंत आनंद विच जिस नौकर नू मालक ने 5 तोड़े दिते 2 तोड़े दिते। 5 ना 5 कमाले ते 2 ना 2 कमाले ते मालक ने उन्हों क्या हे चंगे ते मातवर चाकर शाबाश तू अपने मालक दे खुशी वेच दाखल हो। अनंत आनंद दे स्थान च दाखल हो। ओ स्थान जिथे सदा दा आनंद है जिस आनंद ने खत्म नहीं होना। पर जिनू एक मिलिया सी मानाई कीती जमीन च दब दिता कोई मेहनत नहीं कीती उहदे बारे जे पढ़ो ते सानू पता लगदा ओ गया किथे। मालक ने उहनू की किया ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਬੋਲੀਏ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਪੀੜਾ ਆ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਦੀਪਕ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਐਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 25 ਅਧਿਆਏ ਲਾਸਟ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 30 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ 1 ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ
जो असी ओदे काम करांगे ते साडे कम्मां च परमेश्वर 100% बरकत दऊगा। इत्थे जिहड़ा आलसी सी, जिहड़ा गल्लां नाल घर पूरा करन वाला सी, उहनूं रैंक दित्ता गया निकम्मा। ते उह गया कित्थे? ते जिहड़े पहले सी दो, जिहनूं 5 तोड़े दित्ते, जिहनूं 2 दित्ते, उहनां दे बारे असी पढ़दे आ। मालिक की कहिंदा? शाबाश चंगे ते मातवर चाकर। मातवर हुंदा वफादार। तू अपने मालक दी खुशी विच दाखल हो। मालक दी खुशी 1 दिन दी, 2 दिन दी, 10 सालां दी, 20 सालां दी, 100 साल दी नहीं। मालक दी खुशी ते मालक दा आनंद अनंत आनंद है, जिन्हें कदी भी खत्म, जिन्हें कदी नहीं खत्म होना। पर जिन्हें किया ही कुछ नहीं, जिन्हें समझिया नहीं अपनी जिंदगी नूं, परमेश्वर ने मैनूं जीवन क्यों दिता आ, मालक एक तोड़ा दे के क्यों चला गया, उहदे लई असीं पढ़दे हाँ। पढ़िए 30 ऐत, ध्यान नाल सुणिए। हाँ जी, इस निकम्मे चाकर नूं बाहर दे अंधकोर विच कढ दिओ। हाँ, बाहर दे अंधकोर विच। ते जिहनूं 5 तोड़े मिले, तू आ मालक दी खुशी विच दाखल हो। जिहनूं 2 मिले, 2 ना 2 कमाए, मालक दी खुशी च दाखल होया। ते जिहने कीता ही कुछ नहीं, लापरवाह आलसी, इहनूं वार दे अंधकोर विच सुट दिओ। अगे उत्थे रोणा ते कचीचियां बटना होवेगा। हाँ, उत्थे की होवेगा? रोणा ते कचीचियां बंदा कदों वटदा? हाँ जी, कदी तां बट्टी होगी। उह कदों वटदे आ कचीची? जदों बसों वार होवे गल। सिर्फ कचीची वट के टाइम पास कर लैंदे आ, वो कुछ वो नहीं कुछ सकदा। कचीची वट सकदे, यानी कि सारा जोर दंदा ते लाने। फिर उत्थे रोना ते कोई बस नहीं चलना, कोई छड़ाउण वाला नहीं, कोई चुप कराउण वाला नहीं, कोई नेड़े आउण वाला नहीं। पर जिहड़े कुछ छड़दे ने गुरु लई, तंगी झलदे ने, दुख झलदे ने, मुसीबत झलदे ने, वह गुरु की खुशी विच दाखल हुंदे ने, वह अनंत जीवन के हकदार बनते ने। वो आनंद जिन्हें कदी भी खत्म, सदीपक जीवन, हमेशा दी जिंदगी। एक लेखक ने वैसे कल्पना की है, सदीपक जीवन का असी नाप तोल नहीं कर सकते कितनी लंबाई है। असी अपनी जिंदगी दी कर सकते जी, 100 साल जीना, 125 साल जीना, वाली कृपा हो जो 150 साल जी लवेंगे। 90 जबू च तां 60-70 साल ही लिखिया, फिर लिखिया जे 7-7 होवे तां 80 साल। नूह दे समय च तां 120 साल सी, तदे मूसा 120 साल तक जीवंदा रहा। पर सदीपक जीवन उसी इहदा नाप तोल नहीं कर सकते किन्ने साल किन्ने कुछ बनता आ। पर कल्पना करके एक लेखक ने, मसीही लेखक ने ऐदां लिखिया, एक बहुत उचाई ते जमीन तो लैके आकाश की चोटी तक पहाड़, सोने का पहाड़ है। जमीन तो लैके आकाश दे नाल उहदी चोटी लगती है, बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है। उहदी चोटी दे उत्ते आ के एक छोटा जिहा जानवर चिड़ी वर्गा आ के बहिंदा आ, साल च एक वारी बहिंदा, ते इक्को ही वारी चुंज उहदे ते कसौंदा आ ते उड़ जांदा। कल्पना कीती है उहने, ते तुसीं देख लो वी पहाड़ कदों कसूगा। हां जी किन्ना टाइम लगू कसण नूं? साल च एक बारी चिड़ी आके बहिंदी आ, ते ऐदां चुंज माड़ी जिही कसा के टच करके
जिहड़ा जीवन अगे आ अनंत काल तक रहण वाला, वो अनंत जिन्हें कदी भी खत्म नहीं होना। ताली मार के जोर देना, अनंत अनंत। जे थोड़े समय का असं दुख चल रहे हैं, मुसीबत चल रहे हैं, ताने चल रहे हैं, तो साढ़े लिए फिर आनंद भी अनंत आनंद है। जेडे वो वचन के प्रति वफादार रहिंदे ने। एक क्वेश्चन पत्रस ने किया, असी सारा कुछ छड के तेरे मगर हो तुरे हाँ तो सानू की मिलेगा, लभूगा की? तो प्रभु ने कहा पहली गल कोई अजिहा है नहीं, जो कोई हैगा अब्राहम वर्गा तो जमीन ते 100 गुणा ते अगे हमेशा दी जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई भैनों उत्साह ना दलेरी दे नाल खुदा दी उपासना करो, खुदा दे काम करो। इस गल नूं याद रखते हुए कि परमेश्वर ने तुहानूं पल पल दा हिसाब देना है। कोई पल तुहाडा विरथा नहीं होवेगा। कोई कंपनी चीज बनाउंदी है, साढ़े भाई राजकुमार जी कलसी वाले ने लगे है काफी समय तो, कोई कंपनी चीज बनाउंदी है ना, जदों कोई बनाउंदी है 100 दे विचों 10-20 रिजैक्ट कर देंदी है, तो जो रिजैक्ट हो गया गए। पर खुदा तुहानू एक एक पल का भी हिसाब देवेगा। हालेलुया। कुछ रिजैक्ट नहीं होवेगा। ऐ जमीन ते 100 गुणा ते अगे हमेशा दी। पर जेडे करदे कुछ नहीं, जेडे अकिरत घाना नशुकरे है, असी पढ़ लिया 30 आयत दे विच मालक कहिंदा इन्हां नूं बाहर दे अंदर घोर विच सुट दिओ, जिथे रोणा ते कचीचियां, उत्थे रोणा ते कचीचियां बटना होवेगा। नरक वल इशारा है, हमेशा दी पीड़ा वल इशारा है। पर जिहड़े गुरु दी खातर, वचन दी खातर, प्रभु दी खातर दुख उठाउंदे, कष्ट उठाउंदे, मुसीबतां उठा के भी परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करदे आ, उन्हां दे लई हमेशा दी जिंदगी है। अनंत आनंद जिन्हें कदी खत्म, जिन्हें कदी खत्म नहीं होना। ऐ जमीन ते 100 गुणा ते अगे हमेशा दी जिंदगी है। हालेलुया। परमेश्वर का फजल उन्हें जीवन च बनिया रहेगा। एक ऐत पढ़ांगे, समाप्त करांगे। यशाया 59 अध्याय दी लास्ट ऐत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। मेरी वालों यहोवा आखदा है, मेरी वालों परमेश्वर आखदा है, उन्हां नाल मेरा ये नेम है, उन्हां दे नाल मेरी ये प्रतिज्ञा आ, मेरा आत्मा जो तेरे उत्ते है, मेरा आत्मा जो तेरे उत्ते आ, अते मेरे वचन जो मैं तेरे मुंह विच पाए, अपने वचन जो मैं तेरे मुंह च पाए आ, तेरे मुंह विचों, तेरे मुंह चों, तेरी आंछ दे मुंह विचों, तेरी आंछ दे मुंह चों, सगों तेरी आंछ दी आंछ दे मुंह विचों, सगों तेरी आंछ दी आंछ दे मुंह चों, हुण तो सदीप काल तीक, हुण तो लैके सदीपक काल तीकर चले ना जाणगे, चले ना सदीपक काल तीकर मेरी दया बनी रहेगी। ताली मारिए जोर दे नाल। दया अनुग्रह रहम तीजी तो चौथी पीढ़ी तक का खुदा वादा करता, जो पीढ़ी वफादार रवे तो परमेश्वर की दया फिर सदाई बनी। मसीह च कीती हुई तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं, इसलिए डटे रहो, तकड़े होवो, तो खुदा दे काम करन च लगे रहो, तो परमेश्वर तुहाडियां मेहनतां दा तुहानूं फल जमीन ते 100 गुणा ते अगे हमेशा दी। अखा बंद करिए। सर्वशक्तिमान पिता जिन्हें तेरी हजूरी च आ गए आ, इन्हां ते तेरा फजल होवे। हे यहोवा, ए तेरी खुशी विच दाखल होण ते हर तरह की समस्या परेशानी दूर करके अपनी कृपा बहाल करो, ते आउण वाले समय तुहाडे वड्डे अनुग्रह दे नाल भरपूर होण। दिलासा, तसली और शांति सदाई बनी रहे। ये दुआ सुनो प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हाँ। आमीन।